हेलो फ्रेंड्स, मैं डीजी बिल ग्रामीण उत्तर प्रदेश आपका ढेर सारा प्यार और हार्दिक स्वागत करते हुए आज हम ले चल रहे हैं बहन कुमारी मायावती के दिए गए निर्माण की ओर और उन्होंने जो विकास की नींव रखी थी उसकी ओर ले चल रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि हमसे न जुड़े हों तो सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपको प्राप्त हो सके। देख सकते हैं ये योगा, एथलेटिक्स, साइकिलिंग और तमाम खेलों के बड़े बड़े प्रशिक्षण केंद्र हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, जिनको उन्होंने बाखूबी शिलान्यास किया था, उनको विकास दिया था, उसी की ओर हम आए हैं। आप देख सकते हैं और हम इसके अंदर भी कुछ ही पलों में आपको ले चलेंगे जहाँ से उन बेहद खूबसूरत ऐतिहासिक और खेल की प्रतिभा को तराशने की जो यहाँ पे प्रशस्त प्रगति की जाती है, कोचिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसको हम दिखाने अभी कुछ ही पलों में आपको ले चल रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत और रोचक होने वाला है। आप देख सकते हैं ये अलग अलग लिखे हैं, फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर, बास्केटबॉल, चेस और भी यहाँ पर तमाम चीज़ों की, तमाम खेलों की, तमाम प्रतिभाओं को तराशने की एकेडमी है। प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है अच्छे अच्छे स्पेशलिस्टों के द्वारा, खेल विशेषज्ञों के द्वारा। इसलिए इस वीडियो में आपको रहना बहुत ही आवश्यक है और आगे चलते हैं आपके साथ। देखते हैं ये बड़े बड़े स्टैंड्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आवर जो है फैकल्टी एंड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, इसके हम अंदर चलेंगे, वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ से बड़े बड़े एथलीट निकलते हैं, इसीलिए NCR का ये क्षेत्र हरियाणा, पंजाब और ये जो गौतम बुद्ध नगर आता है, ये खाल विशेष तौर पे खेल की प्रतिभाओं को तराशता है। यहाँ से जाके खिलाड़ी बड़े बड़े स्टैंड्स पे बड़े बड़े ऐतिहासिक खेलों में भाग लेते हैं और नाम रोशन करते हैं। उसी के आगे ये बेहद खूबसूरत डिजाइनिंग फव्वारा और हम ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये वॉलीबॉल और ये टेनिस बॉल का यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर है वो दिखाया गया है, कोचिंग मिल रही है यहाँ पे, विशेषज्ञ लोग यहाँ पे इन्हें रनिंग और ये साइकिलिंग के विशेष तौर पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्लेजिंग, एथलेटिक्स, ये जो खिलाड़ी हैं हमारे सामने आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े मंचों पे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, देश को एक गरिमामयी स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाएंगे, अपने शहर, अपने देश और अपने माता पिता बुजुर्गों का ये लोग नाम रोशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रेनिंग का दौरान है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये उस सरकार की देन है जो अब मौजूदा स्थिति में नहीं है। वर्तमान सरकारें इस व्यवस्था को दिन प्रतिदिन बदहाल करती हुई दिखाई प्रतीत हो रही हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फ्रेंड सर्किल में, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।